नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लाइमेटोग्राफ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो रही है ना स्क्रीन शेयर? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लाइमेटोग्राफ। देखो क्लाइमेटोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफ लेंदी है, हार्ड तो हम नहीं कह सकते, क्लाइमेटोग्राफ रेंदी है। जैसा नाम से स्पष्ट है, क्लाइमेटो यानी कि क्लाइमेट से संबंधित आंकड़ों के अंदर क्लाइमेटोग्राफ की रचना की जाती है। अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार के क्लाइमेटोग्राफ बनाए, लेकिन जो इरविन रेज है उसका क्लाइमेटोग्राफ सब क्लाइमेटोग्राफ से अच्छा है, अच्छा वर्णन करता है, इसलिए हम उसके जो क्लाइमेटोग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि क्या पर्पज है उसका बनाने का। सबसे पहले ये किसके बीच में बनता है? ये औसत मासिक तापमान तथा वर्षा के बीच के अंदर बनता है। हमने पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने औसत तापमान और वर्षा वो हमने लिया था। वो हमारा किसके द्वारा बनाया गया था? वो हमारा था ग्रिप टेलर के द्वारा बनाया गया। यह जो क्लाइमेटोग्राफ है यह वर्ताकार रूप के अंदर बनता है, और जो ये तापमान तथा वर्षा है दोनों को हम एक ही पैमाने द्वारा दर्शाते हैं। एक ही पैमाने द्वारा दोनों को हम दर्शाते हैं। वहां हमने पैमाना अलग अलग लिया, यहाँ हम एक ही पैमाना। तो दो ग्राफ है, मासिक तापमान और मासिक वर्षा का। हम दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक के अंदर कुछ छाया शेडेड कर देंगे। इसको बनाने का पर्पज क्या है हमारा? इसको बनाने का पर्पज यही है कि जो फसलें हैं, हाँ, इसका उद्देश्य भी यही है कि जो फसलें हैं वगैरह उनको किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए। हमने पहले वाले में बात की थी टेम्परेचर, रेनफॉल चाहिए, कि दोनों में आदर्श स्थिति कौन से महीनों में विद्यमान है। हम देखेंगे कि उस कोई भी फसल है जिसको टेम्परेचर इतना चाहिए, पानी इतना चाहिए, वह परिस्थिति किन महीनों के अंदर विद्यमान है। यदि वहाँ उस महीनों में विद्यमान है तो हम उस फसल को वहाँ उत्पादित कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्लाइमेट के, जलवायु के अनेक पक्षों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अब जैसे कि बनाने की हम बात करें तो इसको हम बनाते कैसे हैं, इसकी विधि अब तक आपने जो पढ़ी है उनसे सबसे टफ विधि है। सबसे पहले आप देखो इसके अंदर मेन मंथली टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, मेन मंथली रेनफॉल सेंटीमीटर के अंदर हम लेते हैं। सबसे पहले वही चीज आपको कि मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 30 सेंटीमीटर। मिनिमम क्या है? मिनिमम है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल में क्या है मैक्सिमम? रेनफॉल के अंदर मैक्सिमम है 30.7। मिनिमम क्या है? मिनिमम इसके अंदर हमारे पास है 0.5। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि जब हम पैमाना लेते हैं तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमारे पास 12 मंथ्स है, 12 महीने हैं, 12 महीनों के डेटा हमारे पास हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको कहा कि इस ग्राफ को हम वर्ताकार सर्किल रूप में हम इसको बनाते हैं। हम पहले एक बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास यानी कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हम लेके एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। आपके कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल खींचो। आपका पेज बड़ा है तो 5 की जगह आप 7 सेंटीमीटर ले सकते हो रेडियस, आप 8 सेंटीमीटर रेडियस ले सकते हो। यह आपको मानना है कि कितना रेडियस आप लो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मोस्टली मैं देखता हूँ जब बच्चे फाइल लेके आते हैं कि पूरा पेज के अंदर एक बड़ा सा सर्किल बना देते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि न तो बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। तो ये पेज के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको 5 सेंटीमीटर लेना है या आपको 8 सेंटीमीटर। जितना आपको लेना है उतना आप लेके एक सर्किल ड्रॉ करो, ठीक है? ये आपने लिया। अब एक फॉर्मूला है,
आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, इसमें नीचे दिया हुआ है कि वर्तारेख अथवा वलय आरेख की भांति ज्ञात किया जा सकता है। वलय आरेख आपके सेकंड ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में आपको वलय आरेख आएगा, तब आप सेम ऐसा ही आप इसके अंदर करोगे। अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, मैंने आपसे इसीलिए चर्चा की थी कि आपको वर्गमूल आना चाहिए। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 30, दोनों में 37। मैक्सिमम दोनों की वैल्यू क्या है, 30। हम दोनों की वैल्यू 30 मान लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 30। देखो मैंने कहा था कि एक ही मापनी पर दोनों बनाए जाएंगे, एक ही मापनी पर दोनों बनाए जाएंगे, हम दोनों के लिए अलग अलग स्केल नहीं लेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 30, 30.7, हम इसको 30 ले लेंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा यहाँ पर 30 ही आएगी, यदि यहाँ 40 होता तो हम 40 लेते। अब देखो ऊपर 18 लिखा हुआ है, 18 यानी कि जनवरी महीने का की जो रेडियस है, जो हम सर्किल बनाएंगे, उसकी सर्किल बनाने के लिए सर्किल हमने बना दिया, उसके बाद जो हम इसकी रेडियस ज्ञात करेंगे, तो जो जनवरी महीना है, जो मेन मंथली टेम्परेचर है, उसकी रेडियस कितनी आएगी, वो रेडियस निकालने के लिए हम इसका 18 वैल्यू है तो हम इसकी 18 वैल्यू लिख देंगे इनटू 5। 5 क्या है, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने रेडियस माना था। यदि आपने 8 माना है तो आप 8, 7 है तो आप 7 लो, 10 है तो आप 10 लो, कोई भी लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो मेन मंथली टेम्परेचर है इनकी आपको रेडियस निकालनी है, फिर मेन मंथली जो रेनफॉल है इसकी आपको रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, जैसे जनवरी है, जनवरी है तो 18/30, दोनों में 30 मैक्सिमम है, अंडर रूट इंटू 5। नेक्स्ट जैसे आप फेब्रुवरी का निकालोगे, फेब्रुवरी का निकालोगे तो क्या आएगा, 18 की जगह 21/30 इंटू 5। मार्च का निकालोगे 21/30 इंटू 5, अप्रैल का 29/30 इंटू 5, मार्च का सॉरी मई का 30/30 इंटू 5, तो हम जानते हैं कि 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 12 मंथ्स हैं सभी का मेन मंथली टेम्परेचर का रेडियस आ जाएगा। मेन मंथली रेनफॉल है, इसी प्रकार जैसे रेनफॉल का हमें निकालना है, रेनफॉल का निकालेंगे तो क्या लेंगे, 1/30 अंडर रूट इंटू 5। तो इस प्रकार हम ये जो जितने भी 12 महीने हैं, मंथली जो रेनफॉल है, इसका सभी का रेडियस हम निकाल लेंगे। जब आप इनका रेडियस निकाल लोगे तो ये देखो, ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर जनवरी में टेम्परेचर का रेडियस 3.9, रेनफॉल का क्या है 0.9। मैंने आपको कहा था कि रेनफॉल है उसका भी ऐसे निकालना, 1/30 इंटू 5.9 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें 12 मंथ्स का टेम्परेचर का रेडियस आ गया, रेनफॉल का रेडियस हमारे पास आ गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यदि अंडर रूट वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये लेंदी क्वेश्चन है, इसके अंदर ये लेंदी है, तो हमें सबसे पहले इनका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था कि 26 अंडर रूट आपको वर्गमूल निकालने पड़ेंगे। अब देख, अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था कि ये वर्ताकार रूप में बनेगा, तो हमें दो वर्गमूल और निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने कहा कि एक ही पैमाने पर हम दोनों को दर्शाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 सेंटीमीटर वर्षा को दिखाने के लिए कितने रेडियस का सर्किट बनेगा हमें निकालना पड़ेगा। हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 सेंटीमीटर जो वर्षा है उसको दिखाने के लिए कितने रेडियस का सर्किल हमें बनाना होगा, हमें सबसे पहले उनको निकालना पड़ेगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 सेंटीमीटर वर्षा के लिए तो हमने मान लिया, इसमें 5 माना है तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हमें बनाना है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 10 सेंटीमीटर वर्षा को दिखाने वाले का 10 है तो 10/30 इंटू 5, 20 का निकालना है तो 20/30 का अंडर रूट इंटू 5 बराबर 4.1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये डायग्राम देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप 2.9 सेंटीमीटर का सर्किल खींचो, फिर आप वही केंद्र रखते हुए, सेंटर रखते हुए 4.1 का सर्किल खींचो, उसके बाद में आपको कितने का खींचना है, 5 सेंटीमीटर का सर्किल आपको खींचना है। जैसे
इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 10 डिग्री सेंटीमीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की जितनी रेडियस हमारे पास आई है, रेडियस थी हमारे पास 2.9, तो 2.9 सेंटीमीटर का सर्किल हमने बना दिया। फिर हमें सर्किल कितने का बनाना है, सर्किल हमें बनाना है 4.1 सेंटीमीटर का हमें सर्किल बनाना है, तो 4.1 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है। फिर 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का सर्किल हमें हमने बना दिया। बना दिए। अब आपको क्या करना है, आप कोई सा भी एक ले लो, आप टेम्परेचर ले लो या रेनफॉल ले लो, रेडियस हमें पता है। सबसे पहले हम उसका जैसा भी सर्किल बनता है वैसा हम उसका ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप सभी जानते हो कि एक जो पॉइंट होता है उसके चारों ओर 360 डिग्री का एंगल होता है कोण। 360 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है, और हमारे पास कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का हम 360 डिग्री के अंदर भाग देंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 मंथ्स के इक्वल 30 डिग्री एंगल आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो रेडियस बनाई है, ये सर्किल खींचे हैं 20 सेंटीमीटर तापमान, 10 सेंटीमीटर वर्षा, 30 सेंटीमीटर तापमान वर्षा और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको दिखाने के लिए जो हमने सर्किल खींचे हैं, इसमें आप सबसे पहले ये लाइन खींच दो। 12 मंथ्स है, 360 डिग्री एंगल है, तो 12 मंथ्स एक दो मंथ्स के बीच के अंदर 30 डिग्री का एंगल आएगा। ये कितना हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हमने बना दिया। फिर आगे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है उसके बीच के अंदर हम उसको तीन भागों में उसको डिवाइड कर देंगे। ये जनवरी आ गया, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। तो 360 में हमने 12 का से डिवाइड किया, तो 30 डिग्री के एंगल पे हमने इन मंथ्स को ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये सारी लाइनें आपने जैसे खींच ली, बना दी। अब जनवरी महीने के अंदर टेम्परेचर का आपको बनाना है। टेम्परेचर पे हमारा रेडियस क्या है, अब ये टेम्परेचर है जनवरी मंथ के अंदर 3.9 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटर है। और हम क्या करेंगे, आप इसमें देख रहे हो कि ये जो शेडेड किया हुआ है, जो छायांकित किया हुआ है, ये रेनफॉल वर्षा को दिखाता है। और यह जो दूसरा सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है, ये वाला सर्किल हमें किसको दिखाता है, ये वाला सर्किल हमें टेम्परेचर तापमान को प्रदर्शित करता है। ये टेम्परेचर तापमान को प्रदर्शित करता है। तो 3.9, सबसे पहले हम टेम्परेचर को ड्रॉ करेंगे, जनवरी के अंदर है, सेंटर ये रहा 3.9 यहाँ पर आया, तो हमने यहाँ एक बिंदु लगा दिया। फिर 4.2 यहाँ पर आया फरवरी के अंदर, हमने बिंदु लगा दिया। फिर 4.2 मार्च में, 4.9 मार्च में आ गया। फिर 4.9 यहाँ पर आ गया। फिर 5 है तो यहाँ पर आ गया। फिर 4.9 यहाँ पर। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर के जो 12 मंथ्स हैं, इनकी जो रेडियस है, रेडियस के हम जितने सेंटीमीटर की रेडियस है उतना हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ये बिंदु 3-4 मैंने लगा के आपको बताए, उसके बाद में आपको ये सारे बिंदु प्रदर्शित करने हैं और इन बिंदुओं को आपको क्या करना है, आपस में मिलाना है। उसके बाद में हम क्या लेंगे, उसके बाद में हम रेनफॉल को लेंगे, वर्षा को लेंगे। वर्षा की रेडियस क्या है, 0.9, तो ये सेंटर, ये 0.9, उसके बाद में 1.5, ये बिंदु 1.5, 1.7, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 किस पे है, अप्रैल पे हमारे पास 2 आ जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, 3.2 4.8, ऐसे करके हम क्या करेंगे, ये 12 मंथ्स की रेडियस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये डायग्राम।
डायग्राम बना लिया। जो रेनफॉल है, रेनफॉल को आपको सेडिट कर देना है। करने के बाद में ये जो और लेफ्ट एरिया है रेनफॉल और टेम्परेचर के अंदर, इसका मतलब यह जो एरिया है, यह एरिया किसी भी चीज के लिए, फसल के लिए यह उपयुक्त स्थान है, जिसके अंदर रेनफॉल भी प्राप्त हो रहा है, इसमें टेम्परेचर भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह एरिया सुटेबल एरिया है, इस एरिया के अंदर हम फसल वगैरह उत्पादित कर सकते हैं, वनस्पति अच्छी पैदा होगी और क्लाइमेट अच्छा होगा मानव के लिए, सभी के लिए। इस प्रकार विभिन्न पक्षों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। तो सिंपल सा है, आपको सबसे पहले रेडियस निकालनी है इस फॉर्मूले से। उसके बाद में आपने एक टेम्परेचर लिया, तो टेम्परेचर का पहले आप जो जितनी रेडियस आई, जितने हमारे मंथ्स हैं, हमने जो रेडियस खींची थी उस पे आपको बिंदु 12 ड्रॉ कर देना, फिर इन 12 बिंदुओं को आपको मिला देना, फिर रेनफॉल वाले हैं उनको मिला देना। इस प्रकार ये हमारा क्लाइमेटोग्राफ कंप्लीट होता है।